आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। इस प्रोग्राम के जरिए हम तमाम गंभीर बीमारियों पर चर्चा करते हैं और तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे सवाल जवाब होते हैं ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर वी एन त्रिपाठी साहब, जो कि एक पीडियाट्रिक है और बहुत सारी उनसे तमाम बीमारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, अपने बारे में बताइए। जी, मैं डॉक्टर वी एन त्रिपाठी, मैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी रहा हूँ, कई मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ। मेन ना कि मैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। जी सर, सबसे पहले क्योंकि आप पेडियाट्रिक हैं तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है और ये जो मौसमी बीमारियाँ हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे में मासूम बच्चों की देखभाल कैसे करें? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सामयिक प्रश्न पूछा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बरसात में गर्मी, उमस और जगह जगह पानी का जल भरा हो जाता है, तो इससे जो हमारे सबसे पहले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो हमारे इन्फेक्टेड पानी, भोजन, मक्खी मच्छर से जो बीमारियां होती वो मेन होती हैं। तो सबसे पहले तो मच्छर की जगह जगह पानी भरा होता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर से चार तरह की बीमारियां हैं जो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती, बड़ों को भी। पहला तो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और इसके बाद फाइलेरिया। ये चार बीमारियाँ हैं और जो हमारे उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं या बिहार के कुछ प्रदेश हैं, कलकत्ता तक पूरा चला जाता है, वहाँ पर जैपनीज एंसेफलाइटिस का भी प्रकोप बहुत होता है। मगर सरकार की जागरूकता से, सरकार के उपायों से, वैक्सीनेशन से अब जापानीज एंसेफलाइटिस जो होती है, आपने सुना होगा जी, अब वो बहुत कम हो गई या ना के बराबर हो गई। तो मेनली हमारे पास मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीन बीमारियां हैं। ठीक है सर, बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं और इसमें सरकार का भी अहम रोल रहा है। आपने कहा कि बेसिकली हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जाए। पहले तो मैं समझने की कोशिश करूंगी कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है। जी बिल्कुल, खासकर मलेरिया, डेंगू और ये चिकनगुनिया है, ये एक तरह से एक फैमिली के बीमारियां हैं, ये वायरस जनित बीमारियां हैं। इसमें मच्छर या मॉस्किटो का काम है ट्रांसपोर्ट का, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यानी कि मच्छर का काम है कि वो बीमारी को फैलाता है, कारण नहीं है। और कारण है इसके लिए प्रोटोजोआ, जो हमारा ये मलेरिया करता है, और इसके अलावा जो हमारा ये दूसरा होता डेंगू, वो डेंगू के वायरस को इधर से उधर किया करता है, और तीसरा होता चिकनगुनिया। तो मच्छर जैसे काटने से मलेरिया होता है, वो कई तरह का होता है, कुछ जानलेवा होता है, कुछ हल्का होता है। और खासकर इस समय जो हमारे मलेरिया केसेस आ रहे हैं, खासकर हमारे छोटे बच्चों में या बहुत सीनियर में, गर्भवती माताओं में फैल्सपेरम मलेरिया के केसेस भी आ रहे हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं या छोटे शिशु या और सीनियर लोगों में जानलेवा हो सकता है। इसमें अचानक बुखार आने के साथ साथ, पसीने के साथ तेज बुखार, जाड़ा लगता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कमर तले के सिर दर्द, फटन होती है, और फैल्सपेरम मलेरिया में एकदम से मरीज निढाल हो जाता है और उल्टियां, दस्त भी हो सकते हैं, तो ये खतरनाक बीमारी है। ऐसे लक्षण अगर हों तो तुरंत पास के डॉक्टर, सरकारी या प्राइवेट, अपनी सुविधा अनुसार जाना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर इसकी जाँच कराएंगे, अगर पॉजिटिव होगा और वो ये डिसाइड करें कि रोगी को, बच्चे को एडमिट किया जाए नहीं। इसमें कभी भी लापरवाही न बरते, हल्का न ले, खुद डॉक्टर न बने या मेडिकल स्टोर से जाके खुद दवा न ले, तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाएं और वहाँ पे डॉक्टर राय के अनुसार वो करें। अगर लापरवाही की जा सकती है तो खासकर छोटे बच्चों में, गर्भवती माताओं में या सीनियर लोगों में, या जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है या लिवर की है, तो ये जो मलेरिया है ये खतरनाक हो सकता है, इसी तरह डेंगू का है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, डेंगू से कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन जब तक हम समझ पाते हैं कि डेंगू हो सकता है या टाइफाइड हो सकता है या मलेरिया हो सकता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो कैसे पता करें कि हाँ ये डेंगू है या टाइफाइड है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आम बुखार भी होता है लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि आम बुखार में और डेंगू के लक्षण में क्या फर्क है। जी बिल्कुल,
ये बहुत ही आवश्यक है घर के परिवार के सदस्यों को और अगर छोटा बच्चा है तो उनके माता पिता को, कि वायरल फीवर जो होता है उसके लक्षण शुरुआती होते बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, लेकिन जब बुखार उतरेगा तो वो जो व्यक्ति है या बच्चा है या बड़ा है वो अपने को स्वस्थ फील करेगा और खेलने लगेगा, फिर बुखार होगा, फिर वो एकदम से ढीला हो जाएगा। मगर ये डेंगू मलेरिया में क्या होता है मैडम, कि इसमें तेज बुखार के साथ अकड़न, उल्टी, दस्त, सिर फटा जा रहा, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, और इसमें दवा देने के बाद भी राहत नहीं मिलती है। एक तो ये, दूसरा वायरल फीवर जो होता है या सीजनल फ्लू होता है उसमें 3 से 4 दिन तक मरीज को राहत मिल जाती है और इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते सामान्यता। लेकिन जो डेंगू मलेरिया है इसमें अगर समुचित इलाज समय पर ना मिले जांच कराने के बाद तो जैसा कि आपने बताया कि जानलेवा हो सकता, खासकर छोटे बच्चों में, गर्भवती माताओं में या ऐसे लोगों में जिनको कोई और बीमारी है जैसे लिवर की है, हार्ट की है, किडनी की है या ब्लड प्रेशर की है या COPD है, ऐसे में खास ध्यान देना चाहिए। खासकर हमारे वरिष्ठ लोग नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो वहाँ उनको तुरंत अस्पताल में ले जाना चाहिए और डॉक्टर की राय से उसका इलाज करवाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। डॉक्टर, हर साल बरसात के मौसम में हमने देखा है कि बीमारियां जो है बहुत ज्यादा फैलती हैं, इन बीमारियों से हम बचे रहें, अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखें कि हम इन बीमारियों से बचे रहें, हम इनकी चपेट में ना आए, कैसा खान पान हो, कैसा लाइफ स्टाइल हो, किस तरह का बचाव हो? जी, इसमें स्पेसिफिक तो ये है कि हमें मच्छरों के बढ़ने नहीं देना, मच्छरों की ग्रोथ वाले पॉइंट जैसे कि पुराने बर्तनों में, गमले में, कूलर में, टायरों में आसपास चेक करते रहें कि उनमें पानी तो कलेक्ट नहीं हो रहा। और दुर्भाग्यवश ये है कि जो डेंगू का मच्छर है ये साफ पानी में पैदा होता है, ये दिन के समय काटता है। और तीसरा ये है कि ये हम लोगों के कमरों में, बाहर स्कूलों में या हॉस्टल्स में इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए या जो गार्जियन हॉस्टल के वार्डन हैं ऐसे बच्चों को पूरी बाँह का शर्ट या जो भी परिधान है या ड्रेस है वो पहना है, उसको मच्छरों से बचाव के लिए ओडोमॉस या कुछ लगाते रहें। इसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग करें और तरह तरह के मॉस्किटो रेपलेंट आते हैं। दूसरा आता है कि मच्छरों को बढ़ने से रोकें, जैसा कि बताया था पानी को कलेक्ट ना होने दें, अगर ऐसा होता है तो उसके उपाय हैं, लार्वा वाली एंटी लार्वा दवाएं आती हैं जो कि नगर निगम या स्वास्थ्य महकमे के उससे छिड़काव किया जा सकता है अपने घर में और आसपास। इसके अलावा जो जनरल सावधानी मैं आपको बताऊं जिससे इम्यूनिटी बढ़ी रहे उसके लिए मैं 4 शब्दों का नाम देता हूं मैडम, आहार, विहार, विचार और व्यवहार। इसमें आहार और विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार में यह है कि अगर छोटा बच्चा शिशु है अगर माँ का दूध पीता तो माँ का दूध देते रहे, 7 में 6 महीने के बाद उसको घरेलू आहार पौष्टिक जैसे कि दाल है, सत्तू है और बेसन की चीजें हैं, फल हैं, साफ सफाई से घर में पका के ताजा वो दें, बाजार के खाने से बचें, कटे पटे फल या पानी है उबाल के दें। तो इससे हमारे पेट की रोगों की इस मौसम में मैडम डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा और वायरल हेपेटाइटिस, इस समय से कानपुर आसपास मैडम जॉन्डिस की शिकायत बहुत हो रही, हम देख रहे हैं हर तीसरे चौथे बच्चे को जॉन्डिस या लिवर की हेपेटाइटिस की बीमारी हो रही है। ये भी मुंह से होता है, खराब पानी, प्रदूषित पानी या प्रदूषित भोजन से होता है। तो ताजा गर्म खाना खाएं, बाजार की चीज ना लें खुली हुई, मक्खियों से बचाएं खाने को, पानी को ढक के रखें उबाल के पिए, एवं टाइफाइड, वायरल हेपेटाइटिस ए आदि के टीके आते हैं, ये टीके सरकारी अस्पताल में फ्री लगते हैं, अपने बच्चों को बड़ों को टीके लगवाएं। और सबसे बड़ी बात होती है आहार, बच्चे को पौष्टिक आहार दें, बड़े भी लें जैसे कि प्रोटीन उत्पाद, ताजे फल, अंकुरित इत्यादि दें और टीके लगवाएं और अपने को मॉर्निंग वॉक या इस तरह के एक्सरसाइज योगासन करें। तो डॉक्टर पहले से ही हमें प्रिपेयर रहना है कि ऐसी बीमारी हमें छुए ना, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है और मौसम बदल रहा है तो खुद पर भी ध्यान देना, अपने परिवार पर भी ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज के इस खास प्रोग्राम में हम बहुत सारे टॉपिक्स को टच करने वाले हैं, तो ये बात हो गई कि मौसमी बीमारियों में जो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया और बहुत सारी जॉइंटिस का जिक्र किया है आपने, ये सब जो बीमारियां हैं इसमें कैसे अपना ध्यान रखें और कैसे डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर लाइफस्टाइल की हम बात करें तो आज के दौर में लोगों के पास समय नहीं है,
लोग भारतीय दौड़ती जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि लगातार हम कहते हैं कि व्यायाम करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोग नहीं कर पाते। ऐसे में मोटापे का शिकार लगातार हो रहे हैं। एक तो फास्ट फूड खा रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मोटापे का शिकार क्यों हो रहे हैं, इसका क्या आगे नुकसान हो सकता है और इस पे रोकथाम कैसे होनी चाहिए, इन सब टॉपिक से मैं बात करना चाहूंगी। जी मैडम, तो पहला तो आपका ये था, आपने दर्शकों को बता दूं कि चार शब्द वो याद रखें, आहार जीवन शैली से संबंधित हैं। अगर इनको हम दुरुस्त कर लेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर जरूरत कम से कम पड़ेगी और कॉम्प्लिकेशन कम होगा। आहार माने भोजन, सही भोजन कब खाएं मैं खुद बताऊंगा। इसके बाद विहार यानी कि एक्सरसाइज, उसमें योग भी आता है, फिजिकल एक्टिविटी हो गई। इसके बाद विचार, आजकल हैप्पी केमिकल्स या गलत केमिकल्स का सिक्रीशन होता है लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से। और चौथा होता व्यवहार, यानी उससे भी हमारी लाइफस्टाइल पे पड़ा जिससे कि उससे होता है। तो सबसे पहले आहार मैं बताऊं, प्रोटीन, प्रोटीन हमारे वेजिटेरियन को समुचित मात्रा में लेनी चाहिए, जैसे कि दालें हैं, चना है, बेसन है, सत्तू है, मिल्क प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा या मछली ले सकते हैं अपनी अपनी च्वाइस के हिसाब से। मतलब आहार संतुलित लेना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको माँ का दूध देना चाहिए। हम तो शुरुआत से शुरू करेंगे जन्म के 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद घरेलू पूरक आहार, घर का बना हुआ, फेरेक्स हरलैक के चक्कर में ना पड़े, घर में ही सत्तू दें, दाल दें, खिचड़ी दें, पोहा दें। 6 महीने के बाद बच्चे को धीरे धीरे घरेलू आहार से परिचित कराएं, ताजा और स्वच्छ। और 1 साल होने पर उस शिशु को माँ के दूध के साथ साथ जो माता पिता खाते हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट उनको देते रहें, बच्चे का टीकाकरण करवाते रहें। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उसको कुपोषण नहीं होगा। ध्यानयोग बात है कि अगर कुपोषित बच्चा है या बड़े को कुपोषण है या दादाजी या हमारे सीनियर सिटीजन उनको कुपोषण है या मेल न्यूट्रिशन है तो हमें यही बीमारियां ज्यादा घेरेंगे। इसके बाद एक और चीज बता दूं आपको कि जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वो ऊपर के डिब्बा बंद दूध पीने वालों का अपेक्षा उनमें मोटापा ओवरवेट बहुत कम होता है और बाद की जिंदगी में इनको जो डायबिटीज हाइपरटेंशन वो भी कम होता है। क्योंकि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, तो मेडिकल कॉलेज कानपुर में रिसर्च की अभी कई मीडिया लोगों ने उनको छापा है और मेरे ख्याल से कई लोगों ने इंटरव्यू लिया है। हमने करीब 615 बच्चों में कानपुर में 10 से 20 साल के बच्चों में स्टडी किया, खासकर जिनके घर में पेरेंट्स को डायबिटीज थी, ओवरवेट था या हार्ट डिजीज थी या और कुछ था, ब्लड प्रेशर। तो हमने पाया करीब 10-15% जो हमारे किशोर हैं 10-20 इयर्स के, इनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया गया, 8% को शुगर पाई गई और ब्लड प्रेशर करीब 12% को पाया गया। कहने का तात्पर्य, अगर घर में माता पिता को ओवरवेट ओबेसिटी है या कोई लाइफस्टाइल बीमारी है तो उनके किशोरों को, बच्चों को शुरुआत से मतलब ये सावधानी रखनी पड़ेगी। हो सकती है ये बीमारियां जीन्स में हो सकती हैं। जी जी, और यंग एज पे आपने देखा होगा कि 25 साल 30 साल पे पता लगा डीजे में नाच रहे हैं, गिर गए, अटैक पड़ गया या एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसकी बुनियाद मैडम बाल्यावस्था या किशोरावस्था में पड़ती है। तो हमें बच्चों को ही, इसके अलावा मोबाइल टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, 5 साल तक के बच्चे को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, दिखाना भी नहीं चाहिए। 5 साल से ऊपर बच्चे को सुपरवाइज मोबाइल या लैपटॉप दिखाइए, वो भी 1 घंटे ज्यादा नहीं, और 10 साल से ऊपर के बच्चे को 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अब आप मैडम कह सकती है इससे क्या होगा, इससे बच्चा क्या बैठा रहेगा, वो एक्टिविटी नहीं करेगा, उसकी ड्राई आंखें हो सकती हैं, उसको हेडेक हो सकता है, परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है, बच्चे मोबाइल देखते हैं। कहने का तात्पर्य जीवन शैली में स्क्रीन टाइम का बहुत महत्व है मैडम। इसमें पेरेंट्स को वो करना चाहिए कंट्रोल अपने को। अगर पेरेंट्स व्हाट्सएप फेसबुक पे कम करेंगे तो बच्चा भी करेगा, और किसी हालत में बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। यानी प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको युवावस्था में बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, फिर उसके बाद जब आप 30 के होते हैं तब आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, कोई बड़ी बीमारी आपको ना हो, तो आपको बचपन से ही अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बचपन में आपने ध्यान दे लिया 10-12 साल
या 15 साल की उम्र तक, तो आगे फिर ये जो गंभीर बीमारियां जो आजकल हो रही है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, हमने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे केसेस देखे हैं कि एक्सरसाइज करते करते लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ गया है, ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डायबिटीज लोगों में हो रही है और ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने देखा सर, अगर देखें, अगर मैं सही हूँ तो मुझे बताइएगा, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हम पहले अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो ये उन लोगों में होती थी जो कि 35 से प्लस होते थे, 40-45, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर, ये 15-14 साल के बच्चों में भी नजर आ रहा है। जी मैडम, जैसा कि हमने बताया, हमने यहाँ GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, बहुत बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मैं वहाँ विभागाध्यक्ष था, तो वहाँ मैंने स्टडी करी थी, करीब 615 बच्चों में करी थी, जो सर आपको बताया वो आंकड़े चौंकाने वाले मैडम, और करीब 8 से 10% बच्चों को ड्राई आंखें हुई, क्योंकि मोबाइल पर बिना पलक झपाए वो लोग मोबाइल या स्क्रीन देखते हैं। इसके अलावा बच्चों का खेलने का वक्त नहीं है, 2.5-3 साल से कॉम्पिटिटिव लाइफ, आपको DPS में एडमिशन लेना, आपको उसका प्रिपरेशन करना, बच्चे को तनाव, बच्चे को बाहर की एक्टिविटी, आउटडोर गेम्स मैडम, आउट कहाँ, मैं 2 से 2.5 घंटे, हमारी भारतीय बाल रोग अकादमी जो है, हमारे बाल रोग विशेषज्ञों की राष्ट्रीय संस्था है, सबसे बड़ी, 45,000 मेंबर है मैडम, तो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी करी है कि 5 साल तक के बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए, उसके बाद पेरेंट्स साथ साथ उसको वो करें, बच्चे को 2 घंटे आउटडोर गेम खेलने हैं जिसमें उनका पसीना निकले, उनकी एक्टिविटी हो, मसल की ग्रोथ हो, और इसके बाद तीसरा होता है उनके भोजन, उनका ब्रेकफास्ट के लिए हम 138 का फॉर्मूला देते हैं मैडम, 1 घंटे पसीना, 3 good meals, 8 घंटे सोना, 1 घंटे पसीना, यानी 1 घंटे एक्सरसाइज, बच्चे को आउटडोर गेम जरूर खेलने चाहिए, अगर उसमें 10-15 मिनट योगासन हो जाए तो सोने में सुहागा, 3 good meals मीन्स ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी गुड एंड रिच, इट शुड बी द लार्जेस्ट फूड ऑफ द डे, लंच उससे कम और डिनर शुड बी लाइट, इससे क्या होगा, मोटापा, ओवरएक्सरसाइज कम होगी मैडम, और समय समय पर, खासकर एडल्ट हमारे जो बड़े लोग हैं, इनको समय समय पर साल भर में एक एनुअल चेकअप कराना चाहिए मैडम, जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या अगर उन्हें शक है, पेरेंट्स की हिस्ट्री है फैमिली में हार्ट की, तो उनको हार्ट का भी चेकअप कराना चाहिए, उससे हमारी अचानक होने वाली कैजुअलिटी कम हो जाएगी मैडम। इसके अलावा कहते नहीं कि सबसे आजकल वो है एक जीवन शैली, चिंता कम करनी चाहिए, टेंशन कम, अपना व्यवहार आचरण सही करना चाहिए, जिससे अच्छे अच्छे केमिकल निकले, डोपामीन निकले, ऑक्सीटोसिन निकले, या हमारे और अच्छे अच्छे हार्मोन निकले, कॉर्टिसोल कम निकले, ये पढ़े लिखे जानते होंगे, तो हम टेंशन ये सब करेंगे, और बच्चों के ऊपर माँ बाप अपनी इच्छा ना थोपे कि तुमको IIT दिल्ली से वो करना है, बच्चों पर स्ट्रेस कम देना चाहिए, बच्चों को आउटडोर गेमिंग जरूरी है और स्क्रीन टाइमिंग कम होना चाहिए, तभी उनका बेहतर विकास होगा मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और देखा जाए तो इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित होंगे, ये हम कह सकते हैं, और गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। सर, ये तो बात हो गई बच्चों की, कि बच्चों को किस तरह से उनका ध्यान रखना है, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसे वो बड़े हों, उनके ग्रोइंग पीरियड में किस तरह से पेरेंट्स एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूँ, बहुत सारे केसेस आपके भी पास आए होंगे, एक अजीब सा बुखार लोगों में चल रहा है, हल्का बुखार होता है, बॉडी पेन होता है, सर दर्द बहुत होता है, आंखों में दर्द होता है, लेकिन कोई डेंगू नहीं है, किसी तरह का कोई टाइफाइड नहीं है, लेकिन हर वक्त थकान महसूस होती है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? ये मैडम, ये नॉर्थ इंडिया में, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, और केसेस कानपुर में तो मेरे ख्याल से मैं हर तीसरे जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, तो उनमें ये मैडम एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि डेंगू की तरह का है, लेकिन डेंगू नहीं है, डेंगू की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, मलेरिया की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो ये डेंगू की तरह का वायरस है, इसको हम कहते हैं, हम डायग्नोसिस में लिखते हैं हम डॉक्टर लोग, डेंगू लाइक इलनेस है, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, अगर तेज बुखार है तो उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं, और अगर ये 5-6 दिन में नहीं उतरता है तो डॉक्टर को दिखाइए, या तेज बुखार बच्चों में है जिसमें बच्चों को वॉमिटिंग हो रही है, या लूज मोशंस हो रहे हैं, या बच्चा एकदम से निढाल हो जाए, या उसको झटके आ जाए, या कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होती रहे, या बच्चा खाना पीना बंद कर दे,
तो ऐसे को तुरंत योग डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जहां भी हो, सरकारी या प्राइवेट, वहां जांच कराएं। लेकिन अगर उसमें कुछ और चीज नहीं है, बच्चा खाना भी थोड़ा बहुत खा रहा, दूध पी रहा है, बुखार चल रहा है, डायरिया भी हो सकती है, बच्चे की भूख कम हो जाएगी, तो अगर ये लक्षण है तो घबराए नहीं, 5 से 7 दिन में ये ठीक हो जाएगा। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। उस बच्चे को अच्छा भोजन दें, लिक्विड दें, लिक्विड पदार्थ दें, इलेक्ट्रोल दे सकते हैं अगर बच्चा वो नहीं है सोल्यूशन, शिकंजी आदि बना के, प्रोटीन युक्त दाल है, पनीर है, छेना दे बच्चे को, और अगर छोटा बच्चा शिशु है तो माँ का दूध पिलाते रहें। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, फिर मैं बताऊं, बच्चा खाना पीना बंद कर दे, बच्चे को कंटिन्यूस वोमिटिंग हो, या बड़े को, या उसको जॉन्डिस हो, या पेट दर्द हो, या और ऐसी कोई चीज है, तो तुरंत पास के डॉक्टर को दिखाएं, इलाज करें। मेडिकल स्टोर से दवा लेके इलाज ना करें, खुद डॉक्टर ना बने। 99% केसेस ठीक हो जाते हैं केवल 5 से 7 दिन में। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हमने चर्चा की सर, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ जुड़े थे प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, जो कि पीडियाट्रिक है, बच्चों के डॉक्टर हैं, बाल विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बच्चों पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए उस पर बात की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आता है पेरेंट्स का। इसके अलावा जो मौसमी बीमारियां हैं उन पर भी बात की। उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरीज थी वो ज़रूर क्लियर होंगी। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए हेलो डॉक्टर।